मदीन के लोग कैसे थे, मदीन पर अल्लाह का आजाब कैसे नाजिल हुआ? आंसर इन द कमेंट्स, वॉच टिल द एंड और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमने 1000 सब्सक्राइबर्स तो जरूर लेने हैं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मदीन शहर के अक्सर लोग धोखेबाज और लालची थे। अल्लाह पर उनका बिल्कुल ईमान ना था। वो तिजारत में कम तोलते थे और हर सौदे में बेईमानी करते होते थे। अल्लाह ने हजरत शुएब को उन लोगों की रहनुमाई के लिए अपना रसूल चुना। हजरत शुएब उनको समझाने की कोशिश करते तो वो उनका मजाक उड़ाते, लेकिन हजरत शुएब ने हिम्मत ना हारी। जब कुछ लोगों ने उनकी बात गौर से सुनी तो वो लोग मुसलमान हो गए, यानी उन पर ईमान ले आए। ये देखकर वहां के नाफरमान सरदारों ने अपने आप को धमकी दी। सरदारों ने कहा, तबलीग छोड़ दो वरना हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को यहां से निकाल देंगे। दुश्मनों की धमकी के बाद आपने वहां से चलने की तैयारी कर ली। वो जानते थे कि अल्लाह उस कौम को माफ नहीं करते जो अपनी नबी के दुश्मन हो जाएं। उन्होंने मदीन के लोगों से आखिरी मर्तबा कहा, वक्त है, माफी मांग लो वरना सख्त अजाब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब हजरत शुएब और उनके साथी काफी दूर चले गए तो मदीन पर अल्लाह ताला का अजाब शुरू हुआ। सबसे पहले शदीद गर्मी और हबस काफी महीनों तक वहां रही। फिर एक दिन काला बादल नमूदार हुआ। वो लोग खुश हुए कि बारिश होने वाली है, मगर वो बादल अल्लाह ताला का अजाब था। इससे बिजलियां निकलने लगी। वो सब बारिश में नहाने के लिए खुले मैदान में आए तो बादल से आग बरसने लगी और वो सब नाफरमान लोग उस आग में जलकर राख हो गए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो